अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनाव्रतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् तथा तेनेदमावृतम् काम एषः सर्वलोकशत्रुः यन्निमित्ता सर्व अनर्थ प्राप्तिः प्राणिनां स एष कामः प्रतिहतः केनचित् क्रोधत्वेन परिणमते अतः क्रोध अपि एष एव रजोगुणसमुद्भवो रजोगुणासमुद्भवो रूपः यस्य सः कामो रजोगुणसमुद्भवो रजोगुणस्य वा समुद्भवः कामो हि उद्भूतो रजः प्रवर्तयत् पुरुषं प्रवर्तयति तृष्णया हि अहंकारित इति दुःखितानां रजः कार्ये सेवादौ प्रवृत्तानां प्रलापः श्रूयते महाशनौ महद् अशनम् अस्य इति महाशनः अत एव महापाप्मा कामेन हि प्रेरितः जन्तुः पापं करोति अतो विद्धि एनं कामं इह संसारे वैरिणं कथं वैरी इति दृष्टान्ते प्रत्यायेति सो अर्जुन का प्रश्न है कि मैं अपने सुधर्म को जानता हूँ भगवान मेरा विवेक भी जागृत है मतलब मैं होशो हवास में हूँ लेकिन सच्चाई ये है भगवान इसके बाद भी मैं उस पाप के कार्य में लग जाता हूँ ये हमारे और आपके साथ में भी है हम जिस कार्य को नहीं चाहते हैं उस कार्य में लग गए और कहीं यह विवेक भी जागृत है कि यह ठीक नहीं है तो आप उसका जो इंटरप्रिटेशन देते हैं वो कैसे देते हैं तो आपसे यदि कहा जाए तो फिर आप उसको क्या बोलते हो सर वास्तविकता में बताओ ये तो आप ट्रांसलेशन बोल रहे जो मैंने बोला इस घटना को आप इसका जवाब क्या देते हो जब हम उस कार्य में लग गए तो फिर हम उसका जवाब क्या देते हैं जवाब ये देते हैं कि मैं नहीं चाहता था इसके बाद भी लग गया इसका मतलब भगवान को ये व्यक्ति बोलते हैं ना कोई है जो मुझे क्या कर रहा है खींच रहा है कोई है जो मुझे क्या कर रहा है उस ओर भेज रहा है तो अब भगवान की यही इच्छा है तो फिर मैं क्या करूं देखो ये जीव एक इंटरप्रिटेशन दे देता है भगवान बोलते हैं ये एकदम गलत बात है इसी प्रश्न का उत्तर है
क्या उत्तर है जरा देखना। पहला, तो यहाँ से मैंने जो चर्चा कल आपको चालू की थी कि गीता में 5 बार अब तक भगवान शब्द आ चुका, शंकराचार्य जी ने इसको परिभाषित नहीं किया, लेकिन कल आपसे मैंने चर्चा की, तो ये अब आप याद रखिएगा कि वैदिक धर्म में भगवान का स्वरूप क्या है। तो जो पहला था वो ये था, ऐश्वर्य, धन, बल, फिर धर्म या कर्म, फिर यश था, वैराग्य और मोक्ष, है ना। इसको बोला गया षड्नाम भग इतिरिता, यही कहा गया। मतलब समाज में भी जो ईशन करता है, जगत में भी जो शासन करता है, उसके पास भी कहीं ना कहीं एक या दो गुण होते हैं। आपसे ये बात मैंने कर रखी, अगर घर में भी कोई शासन करता है, देश पे भी शासन करता है, तो उसके पास थोड़ा धन, थोड़ा बल, थोड़ा यश, थोड़ा वैराग्य तो उसके पास होता ही है। लेकिन जो प्रमुख शब्द थे वो याद रखना, ये 6 तो है ही हैं। शर्त ये है, मतलब वास्तविकता ये है कि धन तो, बल तो, यश तो, वैराग्य तो, मोक्ष तो, ये हैं हमारे और आपके पास में भी हैं। और इसीलिए हमारा जिसके पास ज़्यादा है वो अन्य की तुलना में दूसरे पर क्या करता है, शासन करता है। एक सच्चाई है, हम सभी के पास में ये 6 हैं, ये याद रखना। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, अब देख लेना, धन, बल, यश, धर्म, मोक्ष और वैराग्य, ये किसके पास नहीं है। अब जिसके पास थोड़ा भी ज्यादा हो गए, थोड़ा भी ज्यादा हो गए, उसको क्या किया गया, फ्रंट की चेयर दी गई। यही है ना सच्चाई, यही है कि जरा सा धन ज्यादा हो गया तो समाज ने उसको आगे की कुर्सी क्या कर दी, और वो शायद उस कुर्सी के लायक नहीं है। ये भी सच्चाई है। मैंने कई बार ऐसे प्रोग्रामों में जाने का मौका मिलता है कि जो अग्रिम पंक्ति में बैठे लोग हैं, आगे बैठने वाले लोग, शायद वो अगर क्लासिकल म्यूजिक वो बेचारा बड़ी मुश्किल से गा रहा होगा तो वो सो रहे होंगे, वो जमाई ले रहे हैं, वो फोन पे बात कर रहे हैं, और वो क्या कर रहा है, तो आप क्या कहोगे इसको, अब बैठा है तो आगे पंक्ति में गए थे, किस बिहा पर बैठा ले, आपकी रुचि थी, आपके आप उसके योग्य थे, कुछ नहीं है, न रुचि है न योग्यता है। बोले किस बल पर, बोले इनका यश ज़्यादा है समाज में। देखो जी, तो यश ज़्यादा है तो आप उनको देखना, आप उनको हाथ खींच कर कहाँ लेके आते हो, अब किस बल पे लाए आप, स्वीकार करना पड़ता है कि यश हमसे ज्यादा है, तो वो यश इनको जीवन में एक अलग स्थान तो क्या करता है, धन दिलाता है। ये आदमी को कुछ नहीं आता जाता, न कला आती है, न संगीत आता है, न प्रवचन आता है, न बैठना आता है, इसके बाद भी आप उस व्यक्ति को क्या करोगे, किस बल पे, कुछ बल होगा, कुछ धन होगा। मेरा कहने का मतलब था, जब हम जीवों में ये इतनी छोटी मात्रा में हैं तो हम पर शासन करते हैं, जहां से ये आते होंगे, क्या चीज, धन, जन और बल, कल इसलिए मैंने यूज किया शब्द, यह बिंदु जिस सिंधु से आया है वह सिंधु कैसा होगा, ठीक है ना। एक छोटे जरा से ज्ञान के कारण व्यक्ति इतना प्रसिद्ध हो गया। प्रश्न ये है,
जो ज्ञान का सागर है वो कैसा होगा? जो वैराग्य का सागर है, सागर मतलब सोर्स, जहां से पानी आ रहा है, टंकी से नल में आ रहा है, ये छोटी बुद्धि है। जिस नदी से ये पानी आ रहा है वो नदी कितनी बड़ी होगी, वो समुद्र कितना बड़ा होगा, वो ग्लेशियर कितना बड़ा होगा, ये तो छह धन बल यश तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सोचना आप जहां से ये आ रहा है वो कितना बड़ा होगा। जो वह सागर है उसका नाम ईश्वर है, ये सिद्ध हुआ कि नहीं? ऐसे सिद्ध करना आप किसी के साथ। दूसरी चीज हम में भी है, बोले तुम में है, बट जो ईश्वर में है वो तुम में नहीं है। बोले ईश्वर में क्या है, ये लाइन अंडरलाइन कराई थी मैंने, ऐश्वर्यादि षटकम यस्मिन वासुदेवे, ऐश्वर्य आदि षटक। अब इसकी व्याख्या मैं नहीं करूंगा, ये देख चुके हैं कल आप विशेष। यह जो षटक हैं, और ध्यान रखना इन छेवों का आपस में लेना देना है, मैंने कल आपको गिनाया, ऐसा नहीं कि धन के बाद आप वैराग्य ले आए ना, धन के बाद बल लाना पड़ेगा, लेकिन बल शासन कहां करेगा, शारीरिक रूप से। मानसिक शासन कहां से होगा, आचरण से, श्रद्धा से। इसलिए तीसरा क्या बोला गया, बोलो जी, कर्म धर्म, इसका सीक्वेंस है, इसको ऐसा कुछ भी मत कर देना। तो जो बोला गया है उसमें है कुछ, तो ऐश्वर्यादि षटकम यस्मिन वासुदेवे, बोले कैसे हैं, बोले ये प्रमुख शब्द नित्यम, हम में तो है लेकिन कभी करोड़पति थे, कभी थे, आज आज नहीं है। तो ये क्या हो गया फिर, अनित्यम, थे अब नहीं है, तो कहां चला गया, बोले गया, जहां गया वो भगवान है। मैंने यहां भी बोला होगा एक बार, ऐसा गुरुदेव को किसी ने भगवान बोल दिया, हो गया होगा कुछ, कहा हो गया, वो सिद्ध हो गया, लोगों ने उनको भगवान की संज्ञा देने लगे, अब ये पसंद नहीं था उन्हें। तो एक जो हमारी मैगजीन है तपोवन प्रसाद इंटरनेशनल, उसमें ये बात का खंडन किया कि उन्होंने इस पर एक लेख लिखा के, कि आप जो पेड़ से फल निकलता है स्वाद किसका आता है, हाँ जी, फल का, खाते किसको हैं, फल को, रस किसका आता है। लेकिन बोले ये याद रखना कि फल कभी वृक्ष नहीं बन सकता, ठीक है, हम और आप फल हैं, वृक्ष नहीं, वृक्ष वासुदेव, पकड़ में आते हैं ना, हम और आप सिर्फ वृक्ष फल हैं, वृक्ष तो कोई और है। ध्यान रखना स्वाद देने वाला फल है, स्वाद देने वाला मतलब मिलने वाला जो सामने दिखता है वो फल ही होगा, और आपकी मुलाकात भी फल से ही होगी, हमें चाहिए क्या, फल, लेकिन फल वृक्ष कभी नहीं बन सकता, फल निकलेगा किससे, वृक्ष से, और वृक्ष नित्य है, फल अनित्य है। ये जो कथाकथित बाबा जी लोग जो ईश्वर समझने लगते हैं ना, ये हाल है, देखो आप पकड़ में आई ना। तो नित्यम पहला याद रखना, हम में भी है बट हम में जो है वो नित्य नहीं है, कैसा है, अनित्य, यही नहीं, आप प्रतिबद्धत्वेन, वहां पे प्रतिबद्धता नहीं है, वहां कंडीशन नहीं है, वहां बंधा हुआ नहीं है, ऐसा होगा तो फिर ऐसा होगा, ये शर्त नहीं होती ईश्वर के साथ।
मैं तो उल्टा कहता हूं, नहीं करोगे तो भी करोड़पति हो सकते हो, वहां ये है। अगर उसकी मर्जी है तो आपको बैठे बैठे कर सकता है, बैठे बैठे सब कुछ खिला सकता है। वहां शर्तों के आधार पर काम नहीं चलता। उसके पास जो चीज है ना वो कैसे अप्रतिबद्धत्वेन, यही नहीं, हमारे पास जो है वो छोटी है, समुद्र की आधी बाल्टी आ गई आपके पास में, आधी बाल्टी आ गई तो आप मिलीनियर बन गए, बूंद आ गई जरा सी तो हम क्या नगर के करोड़पति हो गए। वो कैसा है सामस्तेन, देखो जी संपूर्ण का संपूर्ण पूरा उसी का है। बोले वो कौन है, बोले वासुदेव। वो कहाँ है, ये खड़े हैं किसके सामने, अर्जुन के सामने, देखो हो गया ना। यह छह जिसमें हैं, और इसी श्लोक को इसलिए मैंने कहा था याद कर लीजिएगा, बाय हार्ट याद होना चाहिए ये श्लोक जो कल आपको, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य वैराग्यस्य अथ मोक्षस्य षड्नाम भग ईदितः, ये याद हो जाना चाहिए। ये है भगवान, बस कोई पूछे आप ये बताओ छे, ये छे भगवान। तो छेवों का जो सागर है वह ईश्वर है, एक परिभाषा ये हो गई। अच्छा दूसरा, इसमें कहीं बात ज्ञान की नहीं आई डायरेक्ट रूप से, मोक्ष शब्द आया, ज्ञान शब्द की बात नहीं आई। तो ये ऐसा, ये श्लोक है कहाँ का, विष्णु महापुराण याद रखना। भाष्यकार फिर से बोलते हैं, मैं दूसरी बोले परिभाषा और देता हूं, उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम आगतिम गतिम वेति विद्याम अविद्याम च सवाच्य भगवान इति, सह वाच्य वह वाच्य है, कहलाने योग्य है। क्या वाच्य है, बोले भगवान, वह भगवान कहलाता है। बोले कौन, बोले उत्पत्ति प्रलयम चैव, उत्पत्ति और प्रलय, बोलो आप भगवान। देखो अब कितनी सटीक परिभाषा है, जहां से ये आया जहां से ये गया वो कारण है, कारण भगवान। क्या समझे, आभूषण का उदय स्वर्ण में हुआ, आभूषण का उदय और आभूषण का जो अस्त है वो भी किस में होता है, इसलिए आभूषण का कारण स्वर्ण है। घड़ा उदित किससे हुआ, मिट्टी से, और घड़ा लय किस में होगा, तो घड़ा कार्य है, घड़े को मत मानो, जहां से ये आया वहां जाओ तो आपको कारण मिल जाएगा। वो कौन है, मिट्टी, वो कारण। ठीक इसी ढंग से हम जहां से आए और जहां जाएंगे, हमको छोड़ दो, जगत जहां से आया जगत जहां जाएगा, बोले वो क्या है, ये उत्पत्ति प्रलयम चैव। देखो भाष्यकार बहुत सटीक, उनको लगा कि जो साधक है वो जगत को मानेगा अपने को नहीं मानेगा, तो बोलते हैं भूतानाम, देखो भूत की बात की कि नहीं, भूतानाम आगतिम, आगतिम मतलब तो आने ही नहीं वाला नहीं है, गतिम कैसे बोलते, कहीं कहीं एक भी इंच ऐसा स्पेस नहीं छोड़ते कि व्यक्ति को भ्रम हो जाए। अब इसे और बताऊं आपको, इससे ये भी बोल दिया कि जड़ और चेतन दोनों का कारण वही है, जगत जड़ है तो जड़ का कारण भी वही है, भूत चेतन है तो चेतन का कारण भी
और परिभाषा में भी आ गया, देखो हो गया। जो उत्पत्ति और प्रलय का है, जहां से उत्पत्ति और प्रलय होती है वह वासुदेव है, जहां से भूतानाम आगतिम गतिम स वासुदेव, यही नहीं वेत्ति, जान लो। क्या? विद्याम अविद्याम च, जो बंधन को भी जानता है और जो मोक्ष को भी जानता है। इसी को तो सर्वज्ञ बोलेंगे, जो विद्या को भी जानता है जो अविद्या को भी जानता है। सहच वाच्य भगवान, वह क्या कहलाता है? भगवान। तो कितनी परिभाषाएं हो गई? दो। अब आपसे कोई पूछे, जिस एंगल से वो पूछे उस एंगल से आप बता सकते हो। दूसरा वाला लॉजिकल है, ठीक है। पहला वाला जब कोई पूछता है जगत से संदर्भ से, तो जगत के संदर्भ से ये है। बोले उत्पत्ति आदि विषयम च विज्ञानम यस्य च वासुदेवः वाच्यः भगवान, उसको बोलते हैं भगवान। तो ये भगवान शब्द की भी क्या हो गई? व्याख्या हो गई, हो गया। बोले महाराज ये तो बीच की बात आप ले आए, मेरा प्रश्न वहीं है अभी। प्रश्न मेरा वहीं है, क्या चीज? हमको कौन बलात् पाप में भेज देता है? आप मतलब वो समझ मत समझ लेना कि कोई बड़ा निगण्य पाप की बात की जाए। पाप मतलब ये है कि हम नहीं चाहते हैं वो काम करना पड़ गया, उसको बोलते हैं पाप। जिसमें जिस चीज से मन आपका प्रसन्न नहीं है, ठीक है। केन प्रयुक्तो यम, तो हमने उत्तर क्या दिया? भगवान ने हमको लगा दिया, इसलिए मैंने क्या कर दिया ये काम। यही बोलते हैं ना, हमारी तो नहीं इच्छा थी तो भगवान ने लगाया, इसलिए मैंने ये काम। भगवान बोलते हैं बहुत गलत बात है, मैंने ऐसा कभी नहीं लगाया। बोले अब मैं बताता हूँ तुमको किसने लगाया, देखो अब उत्तर देते। काम एष, क्रोध एष, ध्यान रखना ये दो नहीं है, इसीलिए ये शब्द लगाया। दो मत समझना, ये मत कह देना कामना और क्रोध पाप कराते हैं। ना 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 ना, ये गलत व्याख्या हो गई। जो काम है वही क्रोध है, क्रोध इससे अलग नहीं है। कैसे? काम का ही दूसरा रूप तो क्रोध है। अच्छा तीसरा रूप क्या है? लोभ। ये दोनों का जो लेना देना है वो किससे है? काम से ही है। मतलब नहीं, लोग बोलते हैं ना कि मेरा जो स्वभाव है वो गुस्सेल है। कल भी एक कल बहुत अच्छा है हमारी चर्चा हुई, CBSE के यहाँ के जो हेड है ना, चोइथ राम के अच्छे प्रिंसिपल अवस्थी जी एक थे, यंग चैप है, बहुत ही सुंदर चर्चा हुई 1.5-2 घंटा। यही चर्चा हुई, क्रोध मतलब क्या? तो बात ये है कि क्रोध सिंपल सी एक बात, ये एक लोग बोलते हैं क्रोध के लिए क्या करें, तो आप माला करो, जप करो, ऐसा करो, चार क्या बोलते हैं उसमें, चार ग्लास पानी पियो, ऐसा उन लोग मैंने देखा उपाय बताते हैं, चार ग्लास पानी पियो और फिर क्या, चेहरे शीशे में। अब मैं कहूं कि वो शीशे में चेहरा, इसने शीशा को मार दिया हाथ, तो हमको तो हाथ की परवाह नहीं, हमको परवाह कांच की, तोड़ डाला उसको। तो आश्रम की परवाह, वो टूट गया ये तो ठीक हो जाएगा, वो कहां से, ये तो नई दवाई पट्टी करोगे हल्दी लगा लोगे ठीक, वो आएगा पैसे से। अब चलो शाबाश, सोचो गुस्से लोगों को क्या ठिकाना है। ये कोई जो ये उठा पटक करते हैं ना कि चार ग्लास पानी और कांच, ये कोई इलाज नहीं है इसका, ध्यान रखना। पानी पीने के बाद भी तुम क्या करोगे?
अच्छा डाइवर्ट कर लो, उसके बाद फिर आएगा आधे घंटे बाद, अब क्या करोगे? आज कर लो, कल आएगा फिर, अब क्या करो? तो हम तो मैं जिस सोच का हूँ, एक ही दिन सत्यानाश कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। अब डेली आधे घंटे इस पर एक क्लास हो गए तो और खून जलाने वाला हुआ। ये इलाज जो है इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। प्रश्न है क्रोध आया क्यों? बात ये है, मैंने एक स्क्वायर खींचा और उस स्क्वायर में मैं जो भरना चाहता था उस स्क्वायर में वो नहीं भर पाया। यही तो एक कारण, दूसरा कोई कारण नहीं। मैं आपको बताऊं, स्क्वायर में मैं कुछ भरना चाहता था, जैसा मैं भरना चाहता था, जितना मैं भरना चाहता था वो स्क्वायर उतना नहीं भरा। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या आ गई? क्रोध। अब बोले उपाय क्या है? नॉट द फर्स्ट थिंग, ये स्क्वायर में इतना भरा जाए ये किसने कहा? दिस फर्स्ट, इतना ही भर। अच्छा, किसने कहा कि अपेक्षा करो? बोले तो बिना अपेक्षा के रहें? उपाय ये है कि अपेक्षा, एक तो पहला उपाय कम से कम की जाए। सबसे प्रसन्न रहने की कला ये, आपको थोड़ा अपने ऊपर बोझा ज़्यादा आता है ये जरूर है, मैं इसमें बताऊँ आपको। आप ये मान के चलो कि नगण्य है, ये नहीं होगा, तो बोझा किसके ऊपर ले लो? आप अपने ऊपर आया, लेकिन ये क्रोध की स्थिति तो आने वाली। जहां ज्यादा अपेक्षाएं हैं, जहां ज्यादा अपेक्षाएं हैं वो पूरी नहीं हुई। अब गलती ये कि या तो व्यक्ति अपेक्षा के लायक नहीं था और मैंने उससे क्या की? अपेक्षा की। तो आपने गलत जगह अपेक्षा की तो आपको यही मिलेगा, पहला ये हो सकता है। दूसरा, और भी गहराई में जाएं तो ज्यादा आशा करनी ही किसी से, ये सबसे बड़ी बात है। कहां तक हम व्यक्ति को देखेंगे कि आशा पूरी करने लायक ये व्यक्ति है? इतने में ही तो पूरा समय चला जाएगा। तो बोले कम से कम एक्सपेक्टेशन सबसे क्या है की जाए। बोले कुछ तो आप देख लो, पुत्र का ये कर्तव्य है और वास्तव में पुत्र को ये करना चाहिए, पिता का ये कर्तव्य है तो पिता को ये करना चाहिए, माता का, गुरु और शिष्य का ये कर्तव्य है। बुद्धिमान पुरुष वो है, वो कहता है करना चाहिए, लेकिन उसके आगे आप लाइन जोड़ लो, नहीं करे तो भी कोई बात नहीं, ये अपनी खुशी के लिए। अब ये तो शास्त्र में भी लिखा है कि गुरु को, शिष्य को, पुत्र को करना चाहिए, शुड बी। नहीं करता है तो क्या करोगे आप? सिर पीटेंगे आदमी? तो आदमी क्या कहेगा? भैया नहीं करते, ठीक मैं कर लेता। देखो ये सबसे अच्छा इलाज है। वो उन सर ने बोला कि काम करवाने का सबसे अच्छा स्वामी जी तरीका है कि आप खुद करो। उनका हम में नहीं जा, मैं खुद ही उठा के देने लगता हूँ। तो जो दूसरा व्यक्ति जिसकी वो ड्यूटी है, अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो व्यक्ति आके कहता है नहीं 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 ये। लेकिन शायद वो एक इनिशिएटिव लेना पड़ता है, उसमें ही व्यक्ति थोड़ा संकोच करता है, मैं ये कैसे कर दूँ? बोलते मैं तो मीटिंग में खुद ही पानी देने लगता हूँ। तो जो दूसरा वाला टीचर होता है वो थोड़ा सा, उसको लगता है जब सर दे रहे तो हम भी तो पास कर सकते हैं ना। नहीं, वो आएगा सामने, क्यों, हम टीचर हैं, सीनियर टीचर, आएगा सामने तब दे। नहीं करते, बोले हम ही पी लेते उठा के वहाँ से जाके। तो दूसरे वाले को सीख क्या मिली? ये है ट्रिक, काम कराने का ट्रिक। तो ये है एक वृत्ति, एक की ही दो हो गई। कौन कौन? एक वृत्ति काम है, उसी का एक हिस्सा क्रोध है, तो एक हिस्सा लोभ है। लोभ बड़ा का, देखो जी
दोनों तरफ खाई हैं, मैं ऐसा कहता हूं। पूरी हो गई तो लोभ की खाई में गए, नहीं पूरी हुई तो क्रोध की खाई में गए। बोले यही है पाप की जड़। अरे बोले ये पाप की जड़ कहाँ से हो गई भाई? बोले असलियत में यही है, जो तबीयत खराब कराने वाली चीज है वो यही है, ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाली चीज यही है। चीज ये है कि तुमने इच्छाओं का अंबार बना के रखा है। देखो ये बहुत बड़ा सच है। वृद्ध परेशान है, क्यों? इच्छाएं बहुत सारी हैं, पूरी हो नहीं रही हैं, तो घूम रहा है। सोच के देखो, उनकी पत्नी वो है, डॉक्टर है वो भी, मनोरोगियों का इलाज, साइकेट्रिक। तो बोले एक पेशेंट आया स्वामी जी पत्नी के पास में, पांच साल का लड़का था। बोले तो बोलती है मेरी बात नहीं मानता है, तो इसको कुछ प्रॉब्लम हो गई है। अब 5 साल का लड़का स्वाभाविक रूप से बात क्या करता है पेरेंट्स की, उसको इतना इशू बना दिया घर में कि टेंस्ड हो गए सब, बाबा दादी ये कुछ क्या है, ये लड़के में कुछ है जिसके कारण ये बात नहीं मानता। अच्छा पूछो, जब तुम छोटे थे तुम्हारा क्या हाल था? अपना अपना भी आप बचपन याद करो, कोई सब सीधे से सीधे आए क्या? तो 5 साल के आप बच्चे को साइकेट्रिक के पास ले जा रहे हो, इसलिए किस लिए कि हमारी बात लक्षण ही नहीं ठीक है? इतनी अपेक्षाएं पाल ली, मैं बोलू तो सिर झुकाए, मैं बोलू तो इधर देखे, मैं बोलू तो उधर देखे। कर लो भैया तुम ही अभी उसके बाद तो वो तो चला जाएगा पढ़ने, उसके बाद साइकेट्रिक के पास उसकी माँ को ही जाना पड़ेगा, वो इलाज उसका करने की जरूरत उसका थोड़ी ना। काम है ईशा, क्रोध है ईशा। अब इसकी दो बात, बोले आप भगवान ही आया कहाँ से? तो देखो कई लोग इसका अर्थ ऐसा करते हैं, मैं दोनों अर्थ भाष्यकार ने किया वो मैं ज़्यादा अच्छा समझता हूँ, उन्होंने दोनों अर्थों की बात की है। एक अर्थ ये किया गया इसका कि ये कामना का जन्म है रजोगुण से। क्या बोला गया? काम ईश क्रोध ईश, आखिरी शब्द क्या? रजोगुण समुद्भव। काम और कामना का जन्म बोले रजोगुण से, ये भी अच्छी बात है, सही बात। तो उपाय ये नहीं है कामना पे, उपाय ये है कि तुम किस में आओ? सत्वगुण में आओ। ये भी एक उपाय जहां हमारी निगाह नहीं जाती। कामना का जो जन्मस्थली है, और ये बात थोड़ी बहुत तक सही भी लगती है जो पहला इंटरप्रिटेशन है, वो ये है कि जब व्यक्ति सत्वगुणी होता है तब आप देखना इच्छाओं का अंबार उसके पास कम होता है। प्रातः काल उठते ही कितनी इच्छाएं होती हैं आप बताओ जरा, उठते ही मान, और थोड़ी देर तक शायद उसको ध्यान नहीं आता थोड़ा बहुत, लेकिन जैसे ही जैसे वो किस में आया तो धीरे धीरे वो जो एक एरिया था वो क्या होने लगा है अभी अभी। मुझे इसलिए तमोगुण में भी नहीं है, तमोगुण में भी व्यक्ति क्या हो गया, मन जो था वो उसका संकुचित हो गया। तो है तो एक ही फैक्टर, कौन? रजोगुण। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि अपने रजोगुण को सुधारा जाए। बोले क्या साधना करे? बोले सत्वगुण प्रधान बनो, तो थोड़ा कामनाएं थोड़ा क्रोध पहले की तुलना में क्या होगा, हालांकि ये बाद में मैं और बस कोशिश करूंगा। सत्वगुणी व्यक्ति की अपनी ही इच्छाएं, समस्या वहां पे भी यही, क्योंकि भगवान ने वहां उसको बोला ये तीनों बांधने वाले हैं, एक लोहे की चेन है, एक चांदी की चेन है, एक सोने की है। होती चेन करती क्या है? तो ये भी बोले, तो बोले ये सत्वगुण भी बांधता है। बोले सत्वगुण क्या बांधता है? सुख संगीन बधनाती,
सत्व गुण व्यक्ति को सुख मिलने लगता है, तो वो उस सुख से क्या हो गया, दो जी है ना, ज्ञान से नहीं बंधा। सुख किसका मिला, सुख किसका मिला, सत्व गुण का, न कि चैतन्य का। और हमने क्या समझ लिया, बस अब और बोलो, आधे से ज्यादा व्यक्ति ध्यान की साधना में यही कर रहा है। ध्यान में जो सुख है वो अभाव का सुख है कि चैतन्य का सुख है। इसीलिए वो दूसरे दिन भी वही अपेक्षा करता है, वो एब्सेंस को बनाने की कोशिश करता है, ये भी नहीं वो भी नहीं, शांत बैठेंगे, अलग बैठेंगे, एकांत में बैठेंगे, कुछ नहीं आएगा। ये क्या कर रहा है, अभाव कर रहा है, अच्छी बात है। लेकिन जो उसको सुख मिलता है ज्यादातर, वो ये मिला सत्व गुण का, जो चित्त का सुख इसको बोलते हैं। अब धीरे धीरे जब चर्चा और गंभीर होगी आगे अध्याय में, तो चित्त का सुख अलग है और चित्त का सुख अलग है। हम चित्त सुख नहीं है, चित्त सुख है, ये अंतर है। ये अब ये यहां नहीं है, ये तो मैं अलग से बोल रहा हूं। ये विषय कहां आया, सत्व गुण में। तो ज्ञान संगेन, वो ज्ञान से ही बंध जाता है अपने, और फिर उसके सुख से तो खैर। लेकिन इसकी तुलना में कम से कम वो व्यक्ति कैसा है, थोड़ा शांत है। एक तो इलाज ये हुआ, क्या चीज, तो एक व्याख्या ऐसी की गई कि कामना का जन्म रजोगुण से है, बट दूसरी भी व्याख्या है वो ज्यादा सटीक है। बोले कामना के कारण रजोगुण नहीं उत्पन्न होता, या ऐसा रजोगुण से कामना उत्पन्न नहीं होती। अभी व्याख्या क्या की मैंने, रजोगुण है तो व्यक्ति में क्या उत्पन्न होती है, पर दूसरी व्याख्या है कि कामना के कारण व्यक्ति रजोगुण उत्पन्न करता है, ये भी व्याख्या है। बोले इस व्याख्या के आधार क्या है, व्यक्ति कर्म कब करता है, जब रजोगुण, तो कर्म करने के पूर्व कौन होना चाहिए, और रजोगुण कब आएगा, जब मेरे मन में कोई, तो कामना ने माहौल बनाया किसका, रजोगुण का, बैठे थे शांत, बैठे थे शांत, कामना आई, उसने माहौल कौन सा बनाया, अब मैं क्या करने निकल गया, ये भी तो है। चुपचाप शांति से बैठा व्यक्ति, उसमें कामना का उदय, तो दो हो गई व्याख्या को याद रखना, एक है कामना से रजोगुण, एक है रजोगुण से कामना। जो भाष्यकार जिसको ज्यादा मानते हैं वो ये है, व्यक्ति पाप कर्म तब करता है जब उसके अंदर पहले क्या हुए, रजोगुण, और रजोगुण तब आता है जब उसके अंदर कोई कामना हो। ये व्याख्या उनको ज्यादा सटीक लगती है। हो गया अभी ये काम एश, अभी ये आता रहेगा, इसलिए कोई बार बार इस पर और डिटेल नहीं, क्योंकि हर अध्याय में ही आएगा। अब इसी कामना को ही तो जीवन मुक्ति ने छोड़ा है, पहला ही लक्षण क्या था, जीवन मुक्त का पहला लक्षण, शाबाश सब शांत, पहला लक्षण क्या था भाई, 55वां श्लोक खोजो, बैठे क्या देख रहे हैं मेरी तरफ, सब देखो उसमें क्या है, प्रजहाति यदा कामान, पहला पूछा ना उसने, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। भगवान क्या बोले, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, हे पार्थ सर्वान कामान
मनोगतान। तो पहला ही लक्षण क्या आया, जिसके चित्त से कामना क्या हो गई, प्रजहाती। यहां इसीलिए क्या बोला, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, वह कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। बोले और इसका बताता हूं लक्षण, इसकी 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 विशेषताएं क्या हैं। बोले महाशनो, देखो जी महाशनो मतलब, महाशनो मतलब, अशन मतलब खाने वाला, ये बहुत खाता है। कौन, कामना। बोले महाशन, अशन मतलब खाना, इसका आहार बहुत है। देखो जी मतलब ये व्यक्ति को जितना आहार है इसको डाल दिया जाए तो भी इसके लिए क्या है, कम ही है। महाशन, भगवान भाष्यकार क्या बोलते हैं इसके बारे में, रजोगुण समुद्भवा रजोगुण सेवा समुद्भवा कामो ही भूत रज प्रवर्तयन पुरुषम प्रवर्त्यति तृष्णया ही अहंकारिति दुखित दुखितानाम रज कार्य सेवाद प्रवृत्तानाम प्रलाप श्रूयते। यहाँ ये बात लोग बोलते हैं ना कि मुझसे तृष्णा काम करवा लेती है, ये तृष्णा कौन है, यही है कामना। देखो जी क्योंकि वो तो अभाव को ही दिखाएगी। महाशनौ क्या अर्थ दिया, महद अशनम, महद अशनम ये बहुत खाने वाला है। कौन, कौन कामना। अब इसका आहार तो आप जानते हो, तो स्पर्श रूप रस गंध इसको सब चाहिए, पांचों चीजें चाहिए, शब्द चाहिए, स्पर्श चाहिए, रूप चाहिए, रस चाहिए, गंध चाहिए, पांचों चीजें। यही नहीं, महापापमा महाकामेन ही प्रेरित हो जंतु पापम करोति, कामना ही व्यक्ति को प्रयुक्त कर देती है किसमें, पापम करोति। बोलते हैं विधेनम विधि, विधि जानो, क्या जानो, तो मुझे भी पता है ये। बोले इनको क्या जानो, वैरिणम जानो, ये देखो ये जा ये जान देखना जरा, वैरिणम ये वैरी हैं। कहाँ की वैरी हैं, बोले जिस मार्ग की बात तुम कर रहे हो ना श्रेय की, उस मार्ग इसी को पहले क्या बोला है, हाँ परिपंथिनौ आया ना, तौ राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयो न वशम आगच्छेत तौ यस्य परिपंथिनौ। परिपंथिनौ मतलब ये रास्ते के चोर है, यही व्याख्या हुई थी। यहाँ भी क्या बोलते हैं, वैरी हैं और इनको कहाँ जानो, इहां यहीं, यहीं मतलब साधन के मार्ग में, आत्मज्ञान के मार्ग में, ये श्रेय के मार्ग में ये वैरी लोग हैं। इसलिए अर्जुन जो तुमने बोला ना, कौन के न प्रयुक्तो यम, कौन है, कामना ही तुमको वहां की ओर क्या करती है, प्रेरित, उसको हटाओ तब समस्या का समाधान होगा। अब इस चीज को बहुत ही सुंदर दृष्टांत है, बहुत ही सुंदर, और तीन दृष्टांत से तीन फिलॉसफी, मैंने इसको रामकृष्ण परमहंस की किताब में कहीं पढ़ा था, तीन दृष्टांत से तीन फिलॉसफीज हैं। मैं अर्थ बोल देता हूं, धूमेन आव्रियते वन्नी यथा दर्शो मलेन च यथोल बेना व्रतौ गर्भ। तीन दृष्टांत हैं, जैसे वन्नी को धुएं ने क्या कर रखा है, आवृत, तो जो अग्नि है वो दिखाई। यथा आदर्शो मलेन च, जैसे कांच में प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता क्योंकि कांच लोगों क्या हो गया, गंदा है। यथोल बिना व्रत गर्भ, जैसे जो शिशु है जो वो गर्भ की झिल्ली से क्या है, ढका है। बोले इसी तरीके से
बोले क्या आप बताना क्या चाहते हो इन सब से? बोले आवृतम, इसी तरीके से कामनाओं ने उसको आवृत कर रखा है। किसको? उसी तत्व को, है बट दिखता नहीं है। तीनों में एक चीज कॉमन है, वहां पर अग्नि नहीं दिखती, वहां पर प्रतिबिंब चेहरा नहीं दिखता, यहां पर शिशु। और अच्छी बात यह है कि तीनों हैं, पर तीन से, तीन दृष्टांतों से तीन बातें कही गई हैं। बात में देख, आज अब क्लास होगी मंडे सोमवार को। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।